पिछले कुछ समय से पूरे हिंदुस्तान में चाय वालों की धूम मची हुई है। चाहे वो ग्रेजुएट चाय वाला हो या फिर MBA चाय वाला, यहाँ तक कि इंजीनियर चाय वाला भी चर्चा में रहा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे चाय वाले से मिलवाएंगे जो इन सभी चाय वालों से बिल्कुल हटकर है। ये है गया का दानवीर चाय वाला। गया जिले के संजय चंद्रवंशी चाय वाला पिछले 35 सालों से गरीब और असहाय लोगों की मदद करते आ रहे हैं। वो ऐसे लोगों में कंबल बांटते हैं, उन्हें खाना भी खिलाते हैं। इतना ही नहीं, संजय चंद्रवंशी ने गरीबों की सेवा में अपने घर तक को बेच डाला। आप किराए के मकान में रहते हैं? नहीं, मदद किसी के नहीं। हमारे बहुत दूर से आए विदेशी भी हमारे पास आए दान के देने के लिए। हम बोले कि सर हमको मदद का जरूरत नहीं है। हमारे से रांची से बहुत बड़े बड़े सेठ आए कि संजय जी लीजिए आप दान। हम कहे नहीं सर, हमको दान का जरूरत नहीं सर। और मतलब जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक सेवा करेंगे। पहले तीनों टाइम खाना खिलाते थे, अब एक टाइम खाना खिलाते हैं। पिछले 250 वर्षों से उनकी 5 पीढ़ियां दानवीरता की गाथा लिख रही हैं। उन्होंने बताया कि उनका दिन सुबह चींटी को चीनी देने के साथ शुरू होता है और उसके बाद संजय की चाय दुकान पर भिखारी, रिक्शा वाला, असहाय और गरीब लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। इन सभी को संजय अपने हाथों से चाय बनाकर बिस्किट के साथ देते हैं। उनकी पत्नी सभी गरीबों के लिए खाना बनाती है। उनका बेटा खाना लेकर दुकान में आता है, फिर वे सभी मिलकर गरीबों को खाना भी खिलाते हैं। हमारा है 10-12 दिन से आ रहे हैं, कहीं अब बैठने कहते हैं बैठ जाते हैं, चाय पिला देते हैं, पी लेते हैं। कि लोग पैसे के लिए दौड़ते हैं, लेकिन ये गरीब और लाचार और गरीब भिखारी को लिए दौड़ते हैं। चाय पानी बिस्कुट लकड़ी लहराना, गरीबों को मदद करना, गर्मी में सत्तू का शरबत पिलाना, ऐसा ये व्यक्ति है। बिहार के इस चाय वाले की दरिया दिली की खूब चर्चा हो रही है। इस चाय वाले ने फिर से ये साबित कर दिया कि किसी की मदद या सेवा करने के लिए भरी जेब से ज्यादा जरूरी बड़ा दिल होना चाहिए। गया से विमलेंदु चैतन्य की रिपोर्ट, बिहार तक।